सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो राजीव रंजन, क्या बोल रहा हूँ? क्या पिक्चर बनाया ला बाप, बहुत एकदम सुपर डुपर हिट, कमाल है कमाल। और नाम भी क्या रखेला है, कभी प्यार कभी नफरत, एकदम अलग हटके बाप, एकदम बहुत मानंदर कीला होगा। नहीं भाई, राइटर तुम, प्रोड्यूसर तुम, डायरेक्टर तुम, एक एक टेरिटरी तीन तीन चार चार सीआर में तो गई छूंगा। बकवास बंद करो और बोलो कौन बोल रहा है। मैं छोटा कासिम बोल रहा हूँ रंजन सेठ। देखो क्या है कि कोई भी हिट पिक्चर बनाता है ना तो उनको पार्टी जरूर देता है कि नहीं? अभी तुम इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया है, तुम्हारे पास टाइम किधर होएगा? तुम एक काम करो, दो सीआर इधर ही भिजवा दो, अपन अपना पार्टी इधर ही मना लेगा। क्या दो करोड़ा? अभी देखो क्या है कि छोटा कासिम से दोस्ती रखने का है ना तो पार्टी तो देना ही पड़ेगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? सही समझ रहे हो रंजन सेठ, सही समझ रहे हो तुम। मैं आज तक 36 फिल्में बना चुका हूँ और तेरे जैसे घटिया लोगों की 36 धमकियां भी सुन चुका हूँ, लेकिन एक बात याद रख, न मैं आज तक इन धमकियों के आगे झुका हूँ न झुकने वाला हूँ, समझा तू? किसका फोन था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था या उस रूपा कपाड़िया का जो तुम्हारी हर फिल्म में एक नया आइटम पेश करती है? तुम्हें क्या हो गया स्नेहा, क्या हो गया? तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरा और रूपा का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल लेवल का है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग एल्स। लेकिन मैगजीन तो कुछ और ही कहती है। अरे मैगजीन में गॉसिप के अलावा छपता क्या है, अफवाहें अफवाहें अफवाहें, राई का पहाड़ बना देते हैं वो लोग। सुनो मैं जानती हूँ, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है, आग। चलो अच्छा हुआ जो काम तुम नहीं कर पाए वो मीडिया ने कर दिया। मैडम रूपा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सबका अंजाम जानती हो? पहले तलाक, उसके बाद हमारी शादी। अरे मेरी समझ में नहीं आता तुम शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, और वैसे भी मैं स्नेहा को इस वक्त तलाक देना अफोर्ड नहीं कर सकता, समझे? और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? रास्ता ढूंढ लेंगे। और वैसे भी सुनो, तुम्हारे करियर की शुरुआत होने जा रही है, शादी करके क्यों अपने करियर को बर्बाद करना चाहती हो? I swear, जिस दिन मेरी ये फिल्म रिलीज हो गई ना, My God, तुम 1 करोड़ की स्टार बन जाओगी और वो भी रातों रात। तुम्हारी ये फिल्म रिलीज हो तब ना, तुम्हारे सुपरस्टार जुबेर खान ने आज तक तो डेट दी नहीं, और आज जब उसने डेट दी तो मिस्टर का कुछ पता ही नहीं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आने तो दो से जाने, प्लीज। मैंने तो बड़े बड़े खानों को ठीक किया है, ये क्या है, इसकी भी आम क्लास ले लूंगा। एक मिनट भाई, सबको देता हूँ ऑर्डर का। मैंने तो अपने सारे प्रोड्यूसर से कह दिया है कि अगर आउटडोर्स में सीन करने हैं तो अमेरिका चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, स्विट्जरलैंड चलो, मगर इंडिया में नो वे। आई नो डियर, तुम 1.5 लाख की घड़ी डालते हो भाई, मगर क्या करूं, तुम तो जानते हो बॉम्बे का ट्रैफिक, इट्स क्रेजी। तुम जानते हो कि मेरी शिफ्ट 9 बजे की थी और अभी 4 बजे। आई एम सॉरी डियर, मगर क्या करूं, वो तो यश जी ने मुझे रोक दिया। क्या कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट शूटिंग। मेकअप ला भाई, जल्दी से सामान निकालो, ला पफ दो। अरे बिजू दा, मेकअप। व्हाट? यस, इट्स पैक अप फॉर द डे। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यश जी के सेट पर वापस चले जाओ। और अगर मेरे सेट पर आने का कल मूड हुआ तो ठीक 8:30 बजे आना, समझे? लुक माई डियर, अगर तुम ये चाहते हो कि पूरा दिन मैं तुम्हारे सेट पर रहूं तो ये पॉसिबल नहीं। और आई थिंक यू शुड रीशेड्यूल योर शूटिंग फॉर द डेट्स के, तुम मेरे सेक्रेटरी से बात कर सकते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या समझते हो? वही जो मैं हूं,
जुबेर खान नंबर वन सुपरस्टार एंड यू नो माय डियर फिल्में मेरे नाम से बिकती हैं मेरे नाम से बिकॉज आई एम द बेस्ट और यहां हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर को मेरी जरूरत है राजीव रंजन को तुम जैसे सुपरस्टार की जरूरत नहीं है सुन लो क्योंकि तुम जैसे सुपरस्टारों को मैंने धूल में मिलते हुए देखा है कई बार और अगर मैं चाहूं ना तो एक नॉन एक्टर को लेके तुमसे भी बड़ा सुपरस्टार बना सकता हूं मैं समझा अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही और हां एक बात तुम अच्छी तरह सुन लो मिस्टर रंजन तुम्हारी ये फिल्म अब तो गई डब्बे में देखा चलो ड्राइवर से बोला गाड़ी निकाले कुमार सर रोहित कुमार गुड लिखिए मेरी अगली पिक्चर के हीरो ये है रोहित कुमार व्हाट यस माय बॉय यस तुम बनोगे मेरी अगली पिक्चर के हीरो मी सर यस माय बॉय अब आप देखिएगा कि मैं इस लड़के को जुबैर खान से बड़ा सुपरस्टार कैसे बनाता हूं ये जरूर लिखिएगा और तुम बेटे ये मेरा कार्ड लो ऑफिस का कल मेरे ऑफिस में आ जाना तुम्हारा फोटो सेशन हम करेंगे और फिर तुम्हें लॉन्च किया जाएगा ओके थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच और सुनो हेडलाइन न्यूज राजीव रंजन का हीरो रोहित कुमार यू अंडरस्टैंड डोंट वरी माय डियर डोंट वरी तुम देखना कि राजीव रंजन की अकल दो दिनों में ही ठिकाने आ जाएगी अब वो यहां मेरे कदमों में गिरा होगा बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट नो सर जी ये देखिए वो एक वेटर को लेके फिल्म लॉन्च करने जा रहे हैं Come on, my dear. Come on. वेटर को लेकर पिक्चर बना रहा है तो फिर ये समझ लो कि उसकी पिक्चर शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी नो सर आप उसे कम मत समझिए वो बहुत सन के आदमी हैं अगर उन्होंने फिल्म बना ली और बाय एनी चांस तो फिल्म अगर क्लिक हो गई तो क्या होगा तो फिर ये समझ लो कि उसकी पिक्चर शुरू ही नहीं होगी उसके पिक्चर पैसा कौन लगा रहा हीरो भाई तेरा मोबाइल दो हेलो डियर मैं बोल रहा हूं जुबैर खान अब देख मैं तेरे को कैसा सुपरस्टार बनाता हूं बट सर मुझे एक्टिंग नहीं आती सर अरे तो वो जुबैर खान को एक्टिंग कहां आती थी सुनो डायरेक्टर वही होता है जो गधे से भी एक्टिंग करवा लेता है समझा लेकिन रंजन भाई ऑडियंस किसी गधे को देखने के वास्ते रोकड़ा रुपया खर्चा करके थिएटर में नहीं आएगी अरे आइए आइए धीरू भाई आइए धीरू भाई अरे मिलिए
ये है अपना कल का सुपरस्टार। कल का? हाँ कल का है ना, लेकिन तुमने तो मेरे को बोला कि तुम आज के सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाओगे। अरे धीरू भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गई है। हाँ खबर है, खबर है मेरे को, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया रंजन भाई। अगर तुम फिल्म की नेगेटिव रेस्टोरेंट को आग लगा देते तो भी मेरे को चलता। अरे लेकिन धीरू भाई, उसका क्लेम तो आपको इंश्योरेंस से मिल जाता, इसलिए ना। हाँ तो उतनी तो गारंटी होती है, ये छोकरे पे पैसा लगाओगे गारंटी क्या है। अरे धीरू भाई समझने की कोशिश करो। अरे गारंटी मैं हूँ भाई, मैं। ये लड़के को देख रहे हो ना, ये अभी तो आपको पत्थर जैसा लग रहा है, लेकिन जब यही राजीव रंजन इसको तराशेगा तो ये हीरा बन जाएगा, हीरा धीरू भाई। देखो रंजन में, अगर तुमको इतना पैसा और टाइम वेस्ट करना है तो मेरा बेटा क्या बुरा है। बेटा हाँ देखो, आप मेरे बेटे को लेकर फिल्म बनाओगे, जितना जी चाहे इतना फाइनेंस मैं दूंगा। अगर नहीं बनाओगे और किसी फाइनेंसर से इंतजाम करा लेना। हेलो। हेलो मैडम, जरा अपने हस्बैंड को फोन दो। वो तो घर पर नहीं है, आप कौन? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, उसको समझाओ कि अगर 2 हफ्ते के अंदर हमारा 2 करोड़ रुपया इधर नहीं पहुँचाना तो हम उसको ऊपर पहुँचा देगा। इधर ऊपर। हाँ हेलो, हेलो, हेलो। किसका फोन था? पता नहीं, वो तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। अच्छा, लगता है उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त तो तुमने अच्छा किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? 2 करोड़ तुम्हारी उस डांसर फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समझी तुम? तुम हर बात में रूपा का नाम मेरे साथ क्यों जोड़ देती हो? क्योंकि तुम उससे कुछ ज्यादा ही रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने उसे डांसर से हीरोइन बनाया, अब उसे हीरोइन से अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? एक बात याद रखना राजीव, अगर मुझे तुम्हारे और उसके बारे में पता चला तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर आजाद नहीं करूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें और उसे जान से। पागल औरत। राजीव अब तो तुम्हें कोई फैसला करना ही पड़ेगा, ये रोज रोज मुझे हीरोइन बनाने का झांसा मुझ पे नहीं चलेगा। अब तो तुम्हारी फिल्म नहीं बनने वाली ना? फिल्म बनेगी रूपा, जरूर बनेगी। कैसे बनेगी? धीरू भाई तब तक तुम्हें फाइनेंस नहीं करने वाले जब तक कि तुम उनके बेटे को अपने फिल्म में हीरो का रोल नहीं देते। अब तुम्हारे पास चारा भी क्या है? या तो तुम उस लड़के को अपनी फिल्म से निकालो या मुझसे शादी कर लो। सोच लो राजीव। लगता है मुझे वाकई सोचना पड़ेगा। देखा रोहित कुमार, किस्मत भी क्या अजीब खेल दिखाती है। तू आया था हीरो बनने, बन गया वेटर, लेकिन किस्मत ने तुझे फिर उसी जगह पहुंचा दिया है जहां तुझे पहुंचना था। आयो तू। काम तो हो गया है भाई, गाड़ी में बम लगा दिया है। कल ठीक 10 बजे वो गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी में बैठते ही उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। और उसके बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री छोटा कासिम के नाम से थर थर कांपेगी। पीपी दारू पी। दस बजे? हाँ, तो वो जो मैंने आपको दिया था हेडलाइन छापने के लिए रोहित कुमार का, वो मुझे चाहिए हर मैगजीन में और आपके मून डस्ट का कवर पेज। हाँ, जरूरी है। राजीव जल्दी आओ, देर हो रही है, 10 यहीं बज चुके हैं। हाँ डार्लिंग, आ रहा हूँ, बस चलता हूँ मैं। ओके, सी यू। We'll be right back.
क्या बात? रुकिए सर, गाड़ी मत बैठिएगा सर। गाड़ी में मत बैठिए। गाड़ी में बम है सर। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और गाड़ी के जो अवशेष मिले थे उन्हें भी लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। मिस्टर रंजन का बयान? नो सर, उनका बयान फिलहाल नहीं लिया जा सका क्योंकि अभी भी वो सदमे की हालत में ही हैं। मिस्टर रंजन, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या कर रही थी आपकी क्राइम ब्रांच? हम फिल्म वालों को सरेआम दिन दाड़े उड़ा दिया जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। मिस्टर रंजन, मुझे वाकई बड़ा अफसोस है। आपके अफसोस करने से क्या होता है इंस्पेक्टर? मेरी स्नेह तो वापस नहीं आ जाएगी। भगवान कर अगर रंजन जी को कुछ हो जाता तो आप लोग अफसोस करने के अलावा क्या करते? कुछ भी नहीं। ऐसा है मिस, हम लोग पुलिस वाले हैं, कोई जादूगर नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और केस को सॉल्व कर ली। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कांड के पीछे जो कोई भी है वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी कि यह जानने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ। जो हुआ जैसे भी हुआ बहुत बुरा हुआ। डियर, मैंने जैसे ही खबर सुनी आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बच गया। कम ऑन डियर, आप हजारों साल जियो, खुदा करे कि आपको हमारी उम्र में लग जाए। जुबेर खान जैसे तो 10 पैदा हो सकते हैं लेकिन राजीव रंजन जैसा दूसरा नहीं हो सकता। क्यों धीरू भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल। मिस्टर खान, ऐसा भी सुनने में आया था या मे भी मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा होगा कि मिस्टर रंजन ने आपको अपनी फिल्म से निकाल दिया था, इनके साथ कुछ अनबन हो गई थी, आपका झगड़ा टाइप हो गया था। एम ऑल राइट? ये सब तो होता रहता है माय डियर, बट ही इज अ ग्रेट मैन। जैसे भाभी की मौत के बारे में मैंने सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बेचारी तो अपनी मौत भी नहीं मरी होगी, गाड़ी में तो बॉम्ब लगाए होंगे राजीव के लिए, लेकिन शिकार होगी वो। अगर इस नौजवान ने एन वक्त पर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता तो शायद मैं भी। इनकी तारीफ? ये रोहित है, रोहित कुमार, ये मेरी पिक्चर का हीरो है। बाय द वे, आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आप लोग जा कहां रहे थे? शिरडी।
क्या इंस्पेक्टर की मेरी नई फिल्म रिलीज पे है और कुछ ही दिनों में उसकी नेगेटिव कटिंग होने वाली थी। स्नेहा ने फैसला किया कि नेगेटिव कटिंग से पहले क्यों ना हम नेगेटिव को शिरडी ले चलें। लेकिन किसे पता था कि उस गाड़ी में बॉम्ब है और शिरडी की बजाय स्नेहा सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगी। मिस्टर रोहित, आपको कैसे पता चला कि उस गाड़ी में बम है? इत्तेफाक से, मैं बार में बैठा था, मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना। लेकिन जब उसमें राजीव सर का जिक्र आया तो मैं चौंका, फिर मुझे पता चला कि उन्होंने गाड़ी में बम लगाया। तो आपने राजीव सर को इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? घर पे कोई फोन उठा नहीं रहा था, और सुबह जब मैं यहाँ आया तो बचपन ने बताया कि राजीव जी तो स्टूडियो के लिए निकल चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कुछ हुलिया बता सकते हो? कुछ शक्ल वगैरह देखी? कुछ समथिंग? नाम तो मैं जानता नहीं और शक्ल भी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनमें से एक दूसरे को भाई भाई कहकर बुला रहा था। भाई? ये काम जरूर कासिम के लोगों का हो। कासिम भाई? हाँ, वो कासिम है जो मुझे जान से मार देने की धमकी मुझे फोन पर दिया करते हैं। लेकिन मैंने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। इंस्पेक्टर, अभी तो वो मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगते। आपको पूरा यकीन है कि ये काम कासिम गैंग का ही है? 100% लोचा हो गया भाई। जिसको मारना था वो साला मरा नहीं, भलता ही कुछ हो गया। कोई वादा नहीं उस्मान। देख, जो कुछ भी हुआ अपने धंधे के वास्ते अच्छा ही हुआ। अभी रमन सेठ को अक्कल आ गई होगी, अब अपने 3-5 नहीं करेगा और अपन को अपना हफ्ता इधर अपने अड्डे पे देके जाएगा। गारंटी बोलता मैं। हाँ, क्या बात है भाई, क्या दिमाग पाया आपने। देख, कासिम भाई का पत्ता भले उल्टा पड़ जाए, पर अपन अपनी बाजी कभी अपने हाथ से जाने को देता नहीं, समझा ना। चल बाट। जोकर, गुलाम, तुम दोनों का तारुफ तो मिल गया, अब मैं बताता हूं मैं कौन। बादशाह? या बादशाह, तुम दोनों के सिर्फ पत्ते नहीं उल्टे हुए, बाजी भी उल्टी हो गई पूरी की पूरी। तो अपन को जानता नहीं, अपना नाम कासिम भाई है, कासिम भाई, समझा। बस करो साहब, बस करो। कासिम भाई, अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझते हो बॉम्बे का। कोई पिक्चर हिट होगी तो तुमको पार्टी चाहिए, पार्टी। ये मेरी छोटी सी पार्टी कैसे लगी? कुछ और खर्चा पानी, चाय पानी दूं? मस्कर साहब, मस्कर साहब, मैं बताता हूं साहब,
मैं कोई भाई बहन नहीं हूं साहब, मैं तो एक मामूली सा गुंडा हूं साहब। मैंने भाई लोगों को टेलीफोन पर हफ्ता लेकर के ऐश करते देखा था साहब, तो मैंने सोचा कि मैं तो तुमने सोचा ये कि मैं भी शॉर्टकट में थोड़ा सा पैसा कमा लूं, और अगर आपके बोल बचन में आपकी धौंस में कोई इंसान नहीं आएगा तो उसको बम से उड़ा दिया जाए, जैसे राजीव रंजन की गाड़ी में बम प्लांट करके आपने उसको उड़ा दिया। रंजन सर की गाड़ी में बम? आप क्या बोल रहे हो साहब, मैंने बम जरूर प्लांट किया था साहब, लेकिन रंजन सर की गाड़ी में ही साहब। झूठ बोल रहे हो तुम बराबर राजीव रंजन को धमकियां देते रहे जान से मारने की, और जब वो तुम्हारी धौंस में नहीं आया तो तुमने वाकई उसके ऊपर जानलेवा हमला किया ताकि और लोग तुमसे डर जाएं। नहीं साहब, मैं रंजन सेठ को धमकाना चाहता था साहब, और मैंने गाड़ी में बम भी फिट किया था साहब, लेकिन रंजन सेठ की गाड़ी में नहीं साहब, धीरू भाई की गाड़ी में मैंने बम फिट करवाया था साहब। धीरू भाई की गाड़ी? हाँ साहब, मेरे छोकरा लोगों ने धीरू भाई की गाड़ी में बम फिट किया था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। एक मिनट, अगर तुमने धीरू भाई की गाड़ी में बम प्लांट किया था तो वो बम राजीव रंजन की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? सर मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी छोटा कासिम झूठ बोल रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है श्रीवास्तव, और ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि बॉम्ब उसने धीरू भाई की गाड़ी में लगाया हो और वो बॉम्ब राजीव रंजन की गाड़ी में पहुंच गया हो? यही तो मैं सोच रहा हूँ श्रीवास्तव, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह श्रीवास्तव कि अगर किसी और ने रंजन की गाड़ी में बम प्लांट किया है तो क्यों किया? ये कासिम के आदमियों की भी गलती हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने राजीव रंजन की गाड़ी को धीरू भाई की गाड़ी समझकर उसी में बम प्लांट कर दिया हो। नहीं श्रीवास्तव, ये लोग इतने कच्चे लोग नहीं है श्रीवास्तव, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स, ये इस किस्म की गलतियां नहीं करते। लेकिन सर कोई दूसरा आदमी राजीव रंजन को क्यों मारना चाहेगा? देखें कि ये बॉम्ब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट क्या कहती है। बॉम्ब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ये कहती है श्रीवास्तव कि वो बॉम्ब ऑर्डिनरी बॉम्ब था, मामूली सा बॉम्ब, जिसमें वो एक्सप्लोजिव्स यूज नहीं किए गए थे जो प्रोफेशनल्स करते हैं, आरडीएक्स यूज किया गया था जो अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। सर इसका मतलब ये है कि ये वही बॉम्ब था जो कि कासिम ने प्लांट किया था, ये कोई दूसरा बॉम्ब नहीं रहा होगा। उस गाड़ी में एक हिंदी फीचर फिल्म के नेगेटिव भी पड़े हुए थे जो पूरी तरह से नष्ट हो गए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि गाड़ी की जली हुई बॉडी के पास ये एक जला हुआ रुमाल मिला है, ये एक जले हुए रुमाल का टुकड़ा और गाड़ी की बॉडी के नीचे कुछ कपड़े के चीथड़े भी मिले, और फर्दर रिपोर्ट ये कहती है कि इस रुमाल को गाड़ी के नीचे वो बम बांधने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी अभी आपने ही कहा था सर कि ये लोग हाईली प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग कच्चा काम नहीं करते, फिर बम को बांधने के लिए रुमाल का इस्तेमाल कैसे किया इन्होंने? मैंने कहा था श्रीवास्तव, लेकिन हो सकता है कि ये लोग प्रोफेशनल ना हो, किसी और का हो, हकीकत कुछ और ही हो। देखा धीरू भाई, आपने मुझे एक बार कहा और मैं मूरख शॉट पर क्लैप देने के लिए आ गया, जबकि मैं जानता हूं कि रंजन साहब जिस नए लड़के को लेकर लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केट में मेरा नाम खराब करने के लिए। मैं
मैं राइट नहीं हूं? राइट राइट। दोस्तों आप सब हैरत में होंगे कि मेरी पत्नी की मौत का घाव अभी भरा नहीं है और मैं एक नई फिल्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। दरअसल बात यह है दोस्तों, मैं इस फिल्म से इस घाव को हरा रखना चाहता हूं। यह फिल्म मेरी पत्नी स्नेहा के लिए श्रद्धांजलि भी है। दोस्तों इस फिल्म में मैं एक ऐसे नौजवान को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूं, द वन एंड ओनली हीरो रोहित, रोहित कुमार। दोस्तों इनके ऑपोजिट फीमेल लीड में मिस रूपा कपाडिया हैं, प्लीज वेलकम हर ऑल्सो। और दोस्तों आज तक इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला और यह मौका आज मैं इन्हें देने जा रहा हूं। अब दोस्तों मैंने इस फिल्म का नाम हकीकत क्यों रखा, वो इसलिए कि मैं इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। एक हकीकत मैं भी आप लोगों के सामने रखने आया हूं। आप और यहां? जी हां। I'm sorry, Mr. Ranjan, मैं आप लोगों के रंग में बम करने नहीं आया हूं, लेकिन यह बताने आया हूं कि आपकी पत्नी मिसेस स्नेहा रंजन की मौत का जिम्मेदार कोई अंडरवर्ल्ड माफिया नहीं है बल्कि कोई और। कोई और? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? Oh, come on, dear. कहीं आप इस पार्टी को और सेंसेशनल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बोलो भाई, अगर ये काम अंडरवर्ल्ड का नहीं है तो फिर वो गाड़ी में बम किसने लगाया था? सवाल ये नहीं है धीरू भाई कि बम किसने लगाया था, सवाल ये है कि बम क्यों लगाया गया, वो बम फिट करने के पीछे मकसद क्या था? क्या बात? मतलब ये मिस्टर रंजन कि जिस किसी ने भी ये बम फिट किया है उसका मकसद मिस्टर रंजन को मारना नहीं था, यानी आपको मारना नहीं था, उसका मकसद कुछ और था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। अगर हम उस मकसद तक पहुंच जाएं तो हम उस शख्स तक भी पहुंच सकते हैं जिसने ये बम फिट किया था। अगर बम लगाने का मकसद मिस्टर रंजन की जान लेना नहीं था तो और क्या था? जान मिस्टर रंजन की नहीं गई बल्कि उनकी मिसेस को जान से हाथ धोना पड़ा और साथ में जल गए वो करोड़ों रुपए के वो नेगेटिव जो उस गाड़ी में पड़े थे। मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर रंजन? जी हाँ, वही नेगेटिव्स हम गाड़ी में डाल के शिरडी जा रहे थे और उन नेगेटिव्स पर आपके काफी पैसे लगे होंगे धीरू भाई, करोड़ों रुपए? हाँ लगे तो थे, मगर और वो करोड़ों रुपए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे ना धीरू भाई? क्या बात है धीरू भाई, आपने तो पूरा नुकसान एक झटके में ही कवर कर दिया। अगर मिस्टर रंजन की फिल्म डब्बे में चली गई। बिल्कुल बजा फरमाया आपने मिस्टर जुबेर खान, इस ब्लास्ट का फायदा धीरू भाई के साथ साथ मिस्टर रंजन को भी हुआ। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इंश्योरेंस का पैसा मेरी पत्नी से ज्यादा कीमती है? आपकी पत्नी मिसेज स्नेहा रंजन वाकई अजीब इत्तेफाक है, उनकी मौत वाकई एक अजीब इत्तेफाक है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस रूपा कपाड़िया? जी। और ये इत्तेफाक कमाल का इत्तेफाक कि बम फिट किया जाता है मिस्टर रंजन के लिए और मरती हैं मिसेस रंजन। आप कहना क्या चाहते? यही कहना चाहता हूं मिस्टर रंजन की वो बम फिट करने का मकसद आपको मारना नहीं था और वो बम कासिम गैंग के लोगों ने नहीं लगाया था बल्कि किसी और ने लगाया था।
मगर मैंने उन्हें खुद बातें करते सुना था। लेकिन रोहित बाबू, वो गुंडे कबूल कर चुके हैं कि वो बम उन्होंने ही फिट किया था, लेकिन वो बम धीरू भाई की गाड़ी में फिट किया था, रंजन साहब की गाड़ी में नहीं। क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर भारत? ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? हा? अगर बम धीरू भाई की गाड़ी में रखा था तो फिर मेरे गाड़ी में बम किसने रखा? जाहिर है ये किसी ऐसे शख्स का काम है जो उस बम के बारे में जानता था, और यहां इस पार्टी में ऐसा सिर्फ एक ही शख्स है, और वो शख्स है आप मिस्टर रोहित। रोहित, तुमने मेरी गाड़ी में बम लगाया? नहीं रंजन साहब, ये झूठ है, मैंने बम नहीं लगाया। झूठ नहीं है ये, सच है ये, सच। इस रुमाल को पहचानते हो? ये जला हुआ रुमाल, अंग्रेजी पढ़नी आती है, ये आर लिखा हुआ है ना, और ये आपका रुमाल है ना, बिल्कुल आर वैसा ही लिखा हुआ है, आर मतलब रोहित। ये बहुत जला हुआ रुमाल है रोहित बाबू, जो उस गाड़ी के नीचे बम फिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही रुमाल मैंने आपके हाथ में देखा था जिस दिन मैं रंजन साहब के घर में आया था। Come on, speak up. बताओ आप इसे स्नेह रंजन का खून क्यों किया तुमने? Speak up! तू बता था। मैं उनकी जान लेना नहीं चाहता था, मैं तो बल्कि उनकी जान बचाने का दिखावा करना चाहता था। लेकिन जब धीरू भाई की उस दिन मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि एक जिंदगी का बेहतरीन मौका मेरे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए जब बाहर में मैंने उन गुंडों की बात सुनी तो मैंने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, और वो गुंडे जो बम धीरू भाई की गाड़ी में लगाए थे, मैंने उसे वहां से निकाल लिया, और वो बम को लेकर मैं रंजन साहब के घर पहुंचा। मैंने सोचा था कि अगर मैं मिस्टर रंजन की जान बचा लूंगा तो वो मेरे एहसानों तले दब जाएंगे और उन्हें मुझे हीरो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे हीरो बनने की ख्वाहिश में मिसेज रंजन की जान चली जाएगी। देखा मिस्टर रंजन, जिसे आप हीरो समझ रहे थे वो विलन निकला, असली हीरो तो आप हैं इंस्पेक्टर भारत, रियल। बस 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 कान बाबू, अपना ये हीरोइज्म अपने पास ही रखिए, हम पुलिस वाले ही अच्छे, मैं इंस्पेक्टर भारत ही अच्छा। इस हीरो बनने के चक्कर में एक तो खूनी बन गया है, और हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवान इस ग्लैमर के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपना कैरियर माँ बाप की उम्मीदों का गला घोंट देते। मैं ये समझता हूं कि वो जुर्म इस जुर्म से बहुत बड़ा है।